बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर 2024 है और मैं भी मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। और ये आपके सामने प्लेटफार्म नंबर 3 है जहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा। और ट्रेन है आज की हमारी रावल एक्सप्रेस नाइट ट्रेन, जो कि रावलपिंडी और लाहौर दोनों साइडों से रात को 12:30 पर रवाना होती है। ट्रेन आ चुकी है, डब्बे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इंजन नहीं है। इंजन का वेट कर रहे हैं और पैसेंजर जो है वो भी वेट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि अभी ट्रेन जो है वो फिट नहीं हुई। ये आपके सामने इटाची लोकोमोटिव जो कि शंटिंग कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या सारा कारण छुट्टी हो गई है। रावल एक्सप्रेस रात को 12:30 पे लाहौर और रावलपिंडी दोनों साइडों से अपना सफ़र शुरू करती है और तकरीबन 4:45 में अपना सफ़र मुकम्मल कर लेती है। नॉन स्टॉप ट्रेन है, इसका रास्ते में सिर्फ चकलाला में स्टॉप है, इसके अलावा कोई स्टॉप नहीं है। और ये हमारी ट्रेन की जो पावर है लोकोमोटिव वो आ रही है, और G20 लोकोमोटिव है जो कि रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक गाड़ी को लीड करेगा। इसका नंबर है 4567। ये अमेरिकन इंजन है और बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान रेलवे के लिए। इंजन जो है वो लोड के साथ अटैच हो चुका है और अब गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी है फॉर डिपार्चर के लिए। और राइट टाइम डिपार्चर जो है 12:30 पे है। रावल एक्सप्रेस ये प्राइवेट ट्रेन है और इसका जो कमर्शियल चार्ज यानी कि टिकट निज़ाम है वो प्राइवेट कंपनी NCS के पास है। इसके अंदर इकानमी क्लास की कोचें जो हैं इंजन वाली साइड पर लगी होती हैं, जबकि उसके बाद फिर AC स्टैंडर्ड क्लास, AC पायलट क्लास और आपके पास AC बिजनेस क्लास जो है वो लास्ट में लगी होती हैं। लास्ट में एक पावर वैन होती है जो कि बिजली सप्लाई कर रही होती है ट्रेन के अंदर। पैसेंजर वेट कर रहे हैं और ये आपके सामने AC स्टैंडर्ड क्लास की कोच है, इसके आगे साथ जो AC बिजनेस क्लास की कोच है। तो ये एक बेहतरीन नॉन स्टॉप ट्रेन है जो कि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान रात को चलती है। गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है और इंशाल्लाह राइट टाइम जो है रावलपिंडी से इसका डिपार्चर हो जाएगा। गाड़ी आपके सामने रावलपिंडी से रवाना हो चुकी है, ऐसा ऐसा प्लेटफार्म छोड़ रही है और उसके बाद फिर ये मेन लाइन पे आ जाएगी। ये पार्सल ऑफिस है जहाँ से आप सामान की डिलीवरी वगैरह ले सकते हैं। और ये सामने रेक खड़ा हुआ है सफारी ट्रेन का, और आज 8 सितंबर को जो है ये सफारी ट्रेन भी बंद है, क्योंकि घर में PTI का जलसा है, इस वजह से जो है ये आज इसको मनसूख किया गया है। सफारी ट्रेन जो है लाहौर सॉरी रावलपिंडी से अड्डा खुद हर इतवार को चलती है और इसका चार्ज ये भी प्राइवेट कंपनी यूनिकॉर्न के पास है। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन पे आ रही है।
ट्रेन अभी चकलाला रेलवे स्टेशन से पास हो रही है। सॉरी, जो डाउन की ट्रेन होती है रावलपिंडी से चलने वाली, वो चकलाला में नहीं रुकती, लेकिन जो लाहौर से रात को 12:30 पर चलती है वो चकलाला में स्टॉप करती है। ये यहाँ से थ्रू पास हो रही है। आपके सामने देखेंगे कि चंद मुसाफिर खड़े हुए हैं जो कि चढ़ना चाहते थे, लेकिन गाड़ी का स्टॉप नहीं था, वो नहीं बैठ सकते। गाड़ी जो है वो चकलाला से थ्रू पास हो रही है। आज रावल एक्सप्रेस के अंदर नई एसी पालक क्लास की कोच लगी हुई है जो कि ग्रीन लाइन में होती है। एसी पालक क्लास जो है इसमें सिर्फ सीट्स होती हैं, इसमें बर्थ वगैरह नहीं होती, और रात के लिए आई थिंक सो एसी बिजनेस क्लास बेस्ट है जहां पे आप बर्थ में सो सकें। ये तरक्की में हमारा क्रॉस हुआ था खैबर मेल के साथ, खैबर मेल जो है वो गाड़ी अभी लाला मूसा से थ्रू पास हो रही है। गाड़ी राइट टाइम अभी शाहदरा जंक्शन से पास हो रही है। ट्रेन अभी हमारी रात क्रॉस कर रही है और अब हम लाहौर में एंटर हो चुके हैं। गाड़ी हमारी बिल्कुल राइट टाइम लाहौर रेलवे स्टेशन पे एंटर हो रही है और इसका यहाँ पहुँचने का टाइम 4:45 पे है, और हमारी गाड़ी जो है प्लेटफार्म नंबर 8 पे जा रही है। गाड़ी हमेशा मोस्टली जो है राइट टाइम पहुंच जाती है ये, और कभी कभार होता है कि तो बारिश या कोई ट्रैक पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो लेट हो जाती है, अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल राइट टाइम गाड़ी जो है रावलपिंडी और लाहौर आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है।
जी ड्राइवर साहब, आज तो काफ़ी गाड़ी आगे दे गए हैं और ये जो सामने ब्रिज है यहाँ से आप बाहर डायरेक्ट जा सकते हैं। कुली हजरात जो हैं वो अपने सवारियों के चक्कर में भाग रहे हैं और ये आप स्टेशन से बाहर आने के मनाजर हैं और बहुत ज़्यादा रश है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ड्राइवर डाले।